हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में एंड भुजंगासन के बारे में। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं कि डायबिटीज़ क्या होता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो भी पॉइंट्स बताऊँगा वो आप लोग अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, क्योंकि वो आपके लॉन्ग आंसर्स, शॉर्ट आंसर्स और MCQs में काफ़ी सहायक होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डायबिटीज़ के बारे में। तो जब एक्सेसिव शुगर लेवल हो जाता है ब्लड स्ट्रीम में, यानी कि ब्लड में जब एक्सेसिव यानी कि बहुत ज़्यादा शुगर लेवल बढ़ जाता है, इसको हम कहते हैं डायबिटीज़। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं भुजंगासन के बारे में, जो डायबिटीज़ में काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है, यानी कि डायबिटीज़ को रोकने के लिए काफ़ी अच्छा होता है भुजंगासन। ठीक है, काफ़ी हेल्प करता है। और भुजंगासन का सबसे पहले हम लोग प्रोसीजर देख लेते हैं, इसके बाद बात करेंगे बेनिफिट्स की कि क्या बेनिफिट्स हैं भुजंगासन को करने से। ठीक है, और फिर हम बात करेंगे कि क्या सावधानियां यानी कि क्या कॉन्ट्राडिक्शंस हैं भुजंगासन के। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं भुजंगासन के बारे में। तो भुजंगासन जो है उसको हम लोग कोबरा पोज के नाम से भी जानते हैं या स्नेक पोज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये एक रिक्लाइनिंग बैक बेंडिंग आसन है हठ योग में और मॉडर्न योग में एक तरीके की एक्सरसाइज। ठीक, तो इसका जो प्रोसीजर है वो हम लोग पहले बात कर लेते हैं। मेरे पास ऑलरेडी प्रोसीजर लिखा हुआ है तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, और जो भी पॉइंट्स आप लोग यहां पर देख रहे हैं स्क्रीन पर वो आप लोग अपने आंसर्स में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज भुजंगासन एंड व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स, प्रोसीजर्स एक्सेट्रा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि भुजंगासन को करने की क्या विधि है, यानी कि क्या मेथड है, क्या प्रोसीजर है। तो सबसे पहले क्या होता है कि पेट के बल जमीन पर लेट जाएं, अपनी दोनों हथेलियों को जांघों के पास यानी कि जमीन की तरफ करके रखना है। ठीक है, जांघों के पास जमीन की तरफ करके रखना है हथेलियों को, और ये ध्यान रखना है कि आपके जो टखने हैं, ठीक है, यानी कि घुटने जो हैं, ठीक है, तो एक दूसरे को छूते रहें। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अपने दोनों हाथों को कंधे के बराबर लेकर आना है और दोनों हथेलियों को फर्श पर, फर्श की तरफ रखना है। ठीक, थर्ड स्टेप में क्या करना है, अब अपने शरीर का वजन, ठीक है, अपने शरीर का वजन अपनी हथेलियों पर डालें। ठीक है, अपनी हथेलियों पर डालें, सांस जो है वो अंदर लेनी है। ठीक है, सांस लेना है अंदर को, और अपने सिर को उठाकर पीठ की तरफ खींचना है। ध्यान देना है कि इस वक्त तक आपकी कोहनी जो है वो मुड़ी हुई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये जो पूरी विधि है, ठीक है, ये जो पूरा प्रोसीजर है हिंदी में बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग चाहें तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, जो कि स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप हिंदी में पढ़ रहे हैं अपना सिलेबस तो हिंदी में आंसर लिख लीजिए, नहीं तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अपने सिर को पीछे की तरफ खींचना है और साथ ही अपने चेस्ट को भी आगे की तरफ निकालना है। ठीक, सिर, जो आपका सिर है उसको एक तरीके से स्नेक के जो फन होता है, ठीक है, स्नेक का जो फन होता है उसकी तरह खींच कर रखना है। ठीक, लेकिन ये ध्यान देना है कि आपके जो कंधे हैं, ठीक है, वो कान से दूर रहें। ठीक, कान से दूर रहें और कंधे मजबूत बने रहें। इसके बाद क्या करना है कि अपने हिप्स, जांघों और पैरों से फर्श की तरफ दबाव बढ़ाना है। ठीक है, फर्श की तरफ दबाव बढ़ाना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि शरीर को इस पोज में करीब 15 से 30 सेकंड आप रख सकते हैं। ठीक है, और जो आपकी सांस लेने की गति है, ठीक है, सांस आप जो ले रहे हैं, ठीक है, सांस जो छोड़ रहे हैं वो नॉर्मली चलेगी। ठीक, और नॉर्मली आपको सांस लेना है। ऐसा महसूस करना है कि जो आपका पेट है वो फर्श की तरफ दब रहा है। ठीक, और लगातार इस प्रैक्टिस के बाद आप इस आसन को 2 मिनट से भी ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे रेगुलर आप करते जाएंगे, और जब आपको इस पोजीशन को, इस पोज को छोड़ना है तो धीरे धीरे अपने हाथों को वापस साइड पर लेकर जाना है। ठीक है, अपने सिर को फर्श पर रेस्ट करने देना है, अपने हाथों को सिर के नीचे रखना है, और फिर बाद में धीरे से अपने सिर को एक तरफ मोड़ लेना है और धीरे स्पीड से, धीमी गति से 2 मिनट तक सांस लेनी है। तो ये जो है प्रोसीजर है भुजंगासन का। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो बेनिफिट्स चलिए देख लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे शोल्डर्स की जो मसल्स हैं, चेस्ट की मसल्स हैं और एब्डोमिनल की जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच होती है। ठीक है, ये हमें स्ट्रेस और एंजाइटी में काफ़ी रिलीफ देता है, और ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसको फ्लेक्सिबल बनाता है, यानी कि जो स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी है वो अच्छी होती है। फिर ये
जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी काफ़ी सहायक सिद्ध होता है, और ये आपके जो डाइजेशन है ठीक है उसको और मजबूत बनाता है। इम्प्रूव्स कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, ठीक है, ये कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ जो होती है हमारी, ठीक है, उसको इम्प्रूव करता है और हमारा फोकस बढ़ाता है। जो भी हम काम करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है, जो भी हम कार्य करते हैं उसमें हमारा फोकस काफ़ी हद तक बढ़ने लगता है इस आसन को करने से। अब चलिए बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्राडिक्शंस क्या हैं। देखिए, मैं दोबारा आप लोगों से बता रहा हूँ कि यू जो भी मैं आप लोगों को पॉइंट्स बता रहा हूँ वो आप लोग अच्छे से समझिए, ठीक है, ताकि आप लोग लिख पाएँ अपने आंसर्स में, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप्स हैं तो आप इनमें से ही कई सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आप लोग अगर ध्यान से देखें, इनमें कई सारे छिपे हुए ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। कई बार पूछ लेंगे कि डैश स्ट्रेचेस मसल्स इन शोल्डर्स, तो आप लोगों को भुजांग आंसर लिखना है। इस तरीके से सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स में। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्राडिक्शंस के बारे में। तो जो भी लोग बैक पेन या बैक इंजरीज या हर्निया या हेडेक हो गया, या फिर कोई भी एब्डोमिनल सर्जरीज अभी हाल ही में हुई है जिसको, ठीक है, तो उसको इस आसन को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। दे शुड अवॉइड परफॉर्मिंग दिस आसन। और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको भी ये आसन परफॉर्म नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमने बात की डायबिटीज़ के बारे में, भुजांग आसन क्या होता है, भुजंगासन के प्रोसीजर के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में, और कॉन्ट्राडिक्शंस यानी कि क्या सावधानियां हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट आसन के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में, और ये वीडियो पार्ट 5th है, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन क्लास 12th चैप्टर नंबर 3 योगा एंड लाइफ स्टाइल का, ठीक है। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है, वैल्यूएबल लगा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।